अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य जी यहाँ इससे सदन में बोल रहे थे, कम से कम उनको अपना रिकॉर्ड जो है वो स्टेट करना चाहिए। ये जो 12 एम्स खोले गए थे, यूपीए फर्स्ट और सेकंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस जगहों पर, और उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, और सेंटर में जो उस वक्त इनकी सरकार बन गई, और हमारे जो वहाँ पर सेंटर के जो हेल्थ मिनिस्टर थे श्री नड्डा जी, उनकी रिकमेंडेशन से ये कहा गया कि अगर आपने, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई इंस्टीट्यूशन मेरे वहाँ आप खोलिए, जमीन दीजिए। ये तो इसको प्रपोज किया गया था कि कांगड़ा का जो हॉस्पिटल है उसी को एम्स में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम सब लोग मिले, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो हिंदुस्तान में खोलना चाहते हैं। तो ये एम्स जो था, ये जो प्रोजनी है, ये इसको बनाने वाले जो हैं यूपीए फर्स्ट और सेकंड, व्हेन आई वाज द मेंबर पार्लियामेंट, तो ये सारा इंस्टीट्यूशन उस वक्त किया, और उस वक्त नड्डा के कहने के ऊपर जो थी इसका जो इसकी साइट जो थी वो जो अच्छा ही बिलासपुर में रखी गई। कम से कम रिकॉर्ड को अच्छी तरह से देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, राइटली इंटरवेंट। नाउ आई विल फर्दर रिक्वेस्ट श्री रवि ठाकुर टू टेक पार्ट इन डेलीबरेशन। श्री रवि, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, टांडा मेडिकल कॉलेज में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो उस वक्त गुलाम नबी आजाद जहाँ पर आए, आपने उनको नहीं चलाया, धूमल साहब ने 25 करोड़ रुपया नहीं दिया, और यूपीए फर्स्ट में 125 करोड़ रुपया मैं लेकर के आया था, आप 25 करोड़ रुपया नहीं दे सके, और सेकंड में जब गुलाम नबी आजाद जी दोबारा हेल्थ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा, तब जाकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। ये इसके लिए भी आपका रिकॉर्ड जो है वो स्टेट करना चाहता हूं। राइटली पॉइंटेड आउट। नाउ आई विल रिक्वेस्ट श्री रवि ठाकुर टू टेक पार्ट इन डेलिब्रेशन। श्री रणधीर शर्मा जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्र कुमार जी बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद भी रहे हैं, परंतु एम्स के बारे में इन्होंने तथ्यों पर आधारित बात नहीं की है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश के 11 राज्यों में एम्स खोलने का प्रावधान बजट के अंदर किया गया। आप बजट की कॉपियां निकाल के देखिए, और उन 11 राज्यों में 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जब 11 एम्स उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट में डाले, तो हिमाचल को उन 11 राज्यों में डलवाया गया हमारे नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी द्वारा। इसलिए देन भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आपने एक मिनट आपने खुद कहा कि नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो नड्डा जी क्या मनमोहन जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे? आप बात क्या कर रहे हैं, बात की क्या बात कर रहे हैं? वो 11 कहां, राजा वीरभद्र जी यहां थे, केंद्र में नहीं थे? हाँ, तो यहां हम कहां मना कर रहे हैं, हम कहां मना कर रहे हैं? यहां थे, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब एम्स हिमाचल को मिला। और हिमाचल को, सुन लीजिए सर, हिमाचल को एम्स मिलने के बाद आदरणीय चंद्र कुमार जी, केंद्र ने जमीन मांगी प्रदेश से, आपकी प्रदेश सरकार ने कहा, सुन लीजिए, मैं रिकॉर्ड में ही बोल रहा हूं, कि या तो टांडा मेडिकल कॉलेज या ईएसआई मेडिकल कॉलेज नेर चौक को एम्स में बदला जाए। हमारी केंद्र सरकार ने कहा किसी हॉस्पिटल को एम्स में नहीं बदला जाएगा, नया एम्स बना के दिया जाएगा, इसलिए आप जमीन दीजिए। माननीय मंत्री जी, मैं गवाह हूं आपके, मैं भी विधायक था उस समय, मैं विधायक था, आप इधर, मैं विधायक था अध्यक्ष महोदय, उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखा कि आप अपने अपने जिला में अगर 12